ठीक है, ये इंफीरियर वेना के बाद, इंफीरियर वेना के बाद थोड़ा सा ऊंचा, उसके बाद ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है, इसकी वो डक्ट वगैरह, ये पोटा हेपेटाइटिस, ठीक है, हाँ, उसके बाद कॉर्डेट लोब वगैरह का एच बनता है यहाँ पर, ऊपर वाला मेरे ख्याल में कॉर्डेट लोब होता है, नीचे वाला जी जी कॉर्डेट लोब, हाँ, कॉर्डेट चार साइड होते ऊपर से देखें तो सुपीरियर सर्फिस आती है और इसका एक ही प्रोमिनेंट ऑर्डर होता है इंफीरियर लोब, ये लिगामेंट फेल्सी फॉर्म लिगामेंट है, इसके अंदर ही लिगामेंट मतलब लिगामेंटम सीरीज आता है, हाँ, या राउंड लिगामेंट ऑफ इसके राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस लिवर, अच्छा ये लिवर आता है, और ये गॉल ब्लैडर का एंड है, मतलब गॉल ब्लैडर इन गॉल ब्लैडर फंसा है, इसके अलावा बस ये इंफीरियर में नहीं गया, ये इंफीरियर में लिगामेंटम में नोसल नहीं आता और एक बाइड ऐसी पोर्टल वेन हिपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट जो है ना, वो तो टाइरॉइड है, हाँ, ये कौन सी डक्ट थी, सिस्टिक वगैरह होती है, सिस्टिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट है, ये कौन सी डक्ट है जो लिवर आपको से आ रही होती है, नहीं वो कॉमन बाइल ही आगे जाके बनती है, वो और बाइल उसका नाम ही बाइल सिस्टिक के साथ, ये सिंपल बाइल डक्ट होती है, कॉमन बाइल सिस्टिक और सिंपल मिलके कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, हां ये कॉमन बाइल डक्ट, ये इंफीरियर मैंने कहा, ये हेपेटिक वेन है।